हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? जो लेटेस्ट डेवलपमेंट अभी सीबीएसई की तरफ से हमको पता चला है, सीबीएसई की तरफ से नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जिसको मैं रेफर कर रहा हूँ, उसमें ये पता चला है कि सीबीएसई एक थर्ड ऑप्शन भी कंसिडर कर रहा है मार्किंग के लिए स्टूडेंट्स के लिए, 12th स्टैंडर्ड के। उस पर हम बात करते हैं। एंड दोस्त जो वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, उनको मैं बता दूं, आई एम गगन शर्मा एंड आई टीच अकाउंट्स फॉर 11th एंड 12th, और एक स्पेसिफिक कोर्स है फॉर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो एक प्रोफेशनल अकाउंटिंग कोर्स में जाना चाहते हैं जैसे कि सीए, तो उनके लिए भी स्पेसिफिक कोर्स पढ़ाता हूं मैं, जो कि अकाउंटिंग फाउंडेशन बिल्डर के नाम से एट सुपनल पाटनी क्लासेस। सो बैक टू द टॉपिक, हम जो बात कर रहे हैं कि सीबीएसई थर्ड ऑप्शन जो कंसिडर कर रहा है वो ये, अभी लेटेस्ट आर्टिकल रेफर करता है कि सीबीएसई ने बहुत सारे स्टेट से डेटा मांगा है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो 12th में, उनके प्रीवियस 3 ईयर्स के जो अकेडमिक रिकॉर्ड हैं वो दे दिए जाए, यानी कि उन्होंने कैसा परफॉर्मेंस रखा है पिछले 3 सालों में, उस बेसिस पे एवेल्युएशन होगा नेक्स्ट अकेडमिक ईयर का, यानी कि 2021 बैच वालों की बात हो रही है। तो कितना फेयर है ये? मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा ओपिनियन है वो ये कि जो स्ट्रीम चूज करके अब जो आए हैं स्टूडेंट्स, मान लीजिए उन्होंने बेटर परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया 11th में, अच्छा किया है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ठीक है, बेनिफिट है, लेकिन एक फेयर चांस इस बार के परफॉर्मेंस का तो नहीं मिलेगा, जो कि ऑब्वियस है। जहां स्टूडेंट्स चाहते हैं कि एग्जाम कैंसिल हो जाए, तो एक कोई तो कुछ तो उनको कंसिडर करना पड़ेगा जिस बेसिस पे मार्किंग या उनके ग्रेड्स दिए जाए। अब जो पहले की जो कंडीशन थी, जो पहले जो उन्होंने 23rd मई से स्टार्ट किया था, 23rd मई को आई थिंक मीटिंग थी, तो उसमें मनीष सिसोदिया जी जो दिल्ली के हैं, उन्होंने भी एजुकेशन मिनिस्टर ने कह दिया था कि भाई हम कैसे भी कंसिडर नहीं कर रहे एग्जाम्स को कराना, विदाउट वैक्सीनेशन नहीं हो सकते हैं, कराने भी नहीं चाहिए, और ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स के एग्जाम फिजिकल उस पर जाना, सेंटर उस पर लेना बहुत ज़्यादा रिस्की है, जो कि बिल्कुल सही बात है। अब इस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है डिवाइड हो गए ओपिनियंस में, उनको कहना है, कई लोगों को कहना है कि सर हमें तो एग्जाम्स देने हैं, हमने बहुत मेहनत करी है। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, आपका ट्रॉमा भी मैं समझ रहा हूँ कि आप 1.5 साल से एक ही सेशन में हो, एक ही चीज बार बार पढ़ रहे हो, अब क्या करें उसके लिए। कई लोगों ने तो पढ़ना छोड़ दिया, वो थक गए, ऐसा हो रहा है, लेकिन इन सब के साथ भी एक प्रॉपर हमको कुछ तो लेके आना पड़ेगा जो इवेल्युएशन का तरीका हो। तो सीबीएसई ने पहला जो कंसिडर किया था स्टार्टिंग में जो सेशन थे वो ये थे कि एक एग्जाम जो है 1.5 आवर का एग्जाम लिया जाए, सारे जो मेन सब्जेक्ट्स हैं बस वो ले लीजिए, वो भी सेंटर्स पे, जो सेंटर्स एलोकेट हुए स्कूल्स हैं वहीं पे। अब आप देखो उस कंडीशन में इतने सारे सेंटर्स को प्रॉपर सैनिटाइज करना, सारे अरेंजमेंट्स करना, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है अपने आप। हम बात करते हैं हॉस्पिटल्स में भी जो सुविधा की थोड़ी थोड़ी कमी हो गई है हिंदुस्तान में, तो वो भी वेल इक्विप्ड नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है, ये सबको पता है, लैक ऑफ रिसोर्सेज हमारे यहाँ है इस टाइम। तो अगर लैक ऑफ रिसोर्सेज है तो कैसे अरेंजमेंट्स होने वाले हैं सारे? क्या इतना रिस्क लेना ठीक होगा? ये जान की हानि की बात है, जान पे रिस्क है सर, लाइफ स्टेक पे है हमारी। अब जिन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा ऐसा लगता है सर हमको एग्जाम्स देने ही हैं, आप बस ये भी सोचो कि आप बहुत हेल्दी हो, ठीक है, ठीक है, आप झेल जाओगे, वो भी ठीक है, लेकिन बाई चांस मैं कहता हूँ अगर एक स्टूडेंट की लाइफ से भी कुछ इफेक्ट होता है उसको, तो ये फिर वर्थ इट है क्या? आप पलट के देखोगे कि हम 12th के एग्जाम्स दिए हैं और इतना सब कुछ सोचा था, और अगर उसकी लाइफ को कुछ हो जाता है, उसको ही कुछ हो जाता है, तो फिर क्या फायदा? मैं कहता हूँ पेरेंट्स तक वो पहुंच गया, मान लीजिए बच्चे बच भी गए, किसी के अर्निंग मेंबर फैमिली का उसको कुछ हो गया, ऑलरेडी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो क्रिटिकल भी हुए, कई लोग चले भी गए हैं, 3-4 लोग नोन पर्सन है वो चले गए, बहुत दुख होता है, उनकी फैमिली ना बिल्कुल बिखर जाती है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस टाइम इतना रिस्क लेना अच्छी बात होगी या सही भी होगा। बाकी सीबीएसई और गवर्नमेंट, हमारा हाईकोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी, सभी डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो जो इवेल्युएशन के तरीके हैं उसमें पहला था कि सर 1.5 घंटे का पेपर ले लिया जाए, दूसरा जो हम कह रहे हैं वो कह रहे हैं 1.5 घंटे में सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट का एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम ले लिया जाए। अब ये कितना सही है? आप ये देखो कि एमसीक्यूज में केवल फैक्ट चेक हो सकता है, किसी का लॉजिकल रीजनिंग चेक नहीं हो पाती, उसका इंप्लीमेंट करने का तरीका, लॉजिक्स को या उसके कॉन्सेप्ट्स को वो नहीं चेक हो पाता, तो ये भी कहीं ना कहीं अनफेयर हो जाता है इवेल्युएशन का जो तरीका है। तो सर अगर हर चीज अनफेयर है तो आप करें क्या? मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ तो अनफेयर होने वाला है अगर हमको रास्ता इस बार निकालना है। तो अगर आपको लगता है कि ये पुरानी मार्किंग गलत है तो फिर प्री बोर्ड्स के बेसिस पे हो जाएगा, बहुत सारे स्कूल्स हैं प्री बोर्ड्स भी नहीं लिए, ये कंडीशन है। अच्छा, ये जो बहुत ग्राउंड पहले हमने तय किया था कि सर हो सकता है कि प्री बोर्ड के बेसिस पे हो जाए, लेकिन बहुत सारे स्कूल ने प्री बोर्ड्स नहीं लिए, वो भी लिए तो ऑनलाइन लिए, अब वो कितना कितना उस पर रिलाई कर सकते हो, उस पर मार्क देना बच्चों को, वो भी अजीब है। अच्छा, इतना आउटरेज देख के अब स्टूडेंट्स का सीबीएसई और कोर्ट ने भी ये सोचा कि अगर एग्जाम्स नहीं कराएं तो क्या ऑप्शन होंगे, तो यही ऑप्शन निकल के आया कि पास 3 एग्जाम्स के हम जो है मार्क्स देख लें, अकेडमिक रिकॉर्ड्स देख लें।
सजेशन क्या है, क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को इस टाइम, जो परेशानी है, जो ट्रॉमा, जो इमेंस प्रेशर से वो जो डील कर रहे हैं इस टाइम सब लोग। पहले प्री बोर्ड जो है पोस्टपोन हो गए, देन बोर्ड भी पोस्टपोन हो गए, एक बार नहीं चार बार हो गए, अभी भी कुछ क्लियर नहीं है। तो जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, बहुत सारे लोगों ने, तो बहुत सारे टीचर्स ने भी एमसीक्यू प्रिपेयर कराना चालू कर दिया बच्चों को कि एमसीक्यू कर लो जी, एमसीक्यू कर। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि एमसीक्यू 1 जून को ये रिजल्ट आता है, कोर्ट कहता है कि एमसीक्यू बेस्ड लिया जाए, सीबीएसई ये डिसाइड करता है, तो एमसीक्यू की तैयारी तब स्टार्ट करनी है। हम कैसे कराएंगे? हम आपको बता देते कि हमारा एक चैनल है एसपीसी जूनियर के नाम से टेलीग्राम, उसमें हम सारी अपडेट्स पोस्ट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को, जितने भी टीचर्स ने आज तक जो इस सेशन वालों को पढ़ा दिया, उनको सबको फ्री ऑफ कॉस्ट ये उनको बच्चों को सर्व करना चाहिए, जिससे जो भी पढ़ रहा है। तो हम भी ये चीज कर रहे हैं कि हम सारे स्टूडेंट्स को पीडीएफ में एमसीक्यूज प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ एमसीक्यूज जो सॉल्व कर रहे हैं वो गलत कर रहे हो, मैं बता देता हूँ, अप्रोच गलत है आपकी। आपको क्या करना है, पहले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, देन उसको अप्लाई करके एमसीक्यूज को टैकल करना है या उसको सॉल्व करना है। पता तो चले हम आता कितना है, बार बार हम एमसीक्यू देखते हैं, उसका क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, या हम सही टिक कर रहे हैं गलत फिर आंसर पढ़ लेते हैं, वो नहीं करना है। अगर आप कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए तो नंबर ऑफ एमसीक्यूज अगर आप कम भी करते हो तो आपके कॉन्सेप्ट तो सारे पक्के हैं ना, उससे बाहर कुछ आएगा नहीं। तो पहले वो रिवाइज करो, देन आप जो है उसको सॉल्व करने की तरफ जाओ। हमारे चैनल पे हम वो भी करेंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है, टू वे इंटरेक्शन चाहिए है, तो एक ग्रुप है टेलीग्राम पे अकाउंट्स बाय गगन शर्मा के नाम से, आप वो ज्वाइन कर सकते। वो स्पेसिफिकली इसी के लिए बनाया मैंने कि जो भी बच्चे डाउट्स लेना, कुछ पूछना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, उनको लगता है कि सर ये डिस्कस करना है, कुछ रहता है हमसे बन नहीं रहा, तो आपको सिंपल आप उसकी फोटो खींचो या उसको मेरे को भेज दो, फोटो खींच के एंड अपना वॉइस नोट से मैं आपको समझा दूंगा। तो ये हमने अब तक इसके लिए प्लान किया है। आगे एमसीक्यूज, तो ये सबसे जरूरी जो है अब स्टूडेंट्स के लिए वो क्या, कि नेगेटिविटी से दूर रहो आप। ये जो नेगेटिविटी है, पेरेंट्स चाह रहे हैं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बच्चे समझ नहीं आ रहा करें क्या करें, तो ये इससे थोड़ा दूर रहो। जो भी न्यूज है आपको 2 दिन बाद मिल जाएगा, उस हिसाब से फिर प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। और ऐसा भी नहीं कि हम आपको छोड़ देंगे या आप अकेले कुछ करोगे, हम सब आपको कराएंगे, सारी प्रैक्टिस आपको कराएंगे, एमसीक्यूज की भी कराएंगे, और जो ऑलरेडी तैयारी में जुट गए हैं बहुत अच्छी बात है। मैं पर्सनली वेट कर रहा हूं डिसीजन का, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम्स ना हो। जब सीबीएसई ऐसे ऑप्शंस भी कंसीडर कर रहा है तो हो सकता है एग्जाम्स ना हो, और अगर एग्जाम्स नहीं होते हैं तो जो भी मेथड है सबके लिए एक जैसा होगा। अब इस पर सजेशन क्या हो सकता है सीबीएसई की तरफ, सीबीएसई के लिए मैं सोचता हूं कि जो मेन हर्डल है उनके सामने वो ये आ रहा है कि फर्दर जो स्टडीज हैं उनके लिए पैरामीटर्स क्या रहेंगे स्टूडेंट्स के, कैसे उनको एडमिशन दिया जाए। तो सारे इंस्टीट्यूशन जो भी ऑलरेडी, कई लोग अपना टेस्ट कंडक्ट करते हैं, मुझे लगता है सारे इंस्टीट्यूशंस को अब जो टेस्ट है वो 12th जो एग्जाम होता है ना उस पैटर्न पे जो उनको टेस्ट ले लेना चाहिए। जब भी वो मतलब इस लाइक कंडीशन हो जाए, जिन बच्चों को जैसे अप्लाई किया तो वो अपने क्वेश्चन पेपर उसी हिसाब से बना दें, उसी पैटर्न पे या बड़े क्वेश्चन ले लें, उन पे ही उनकी मार्किंग टेस्ट कर लें। तो इससे एक उनको मिल जाएगा कि भाई बच्चों की लॉजिकल रीजनिंग कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, वो सब वो टेस्ट कर सकते हैं। ये एक सजेशन है मेरी तरफ से छोटा सा। अगर किसी और किसी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि सर हमको पेपर देने ही हैं, तो वो क्यों देना चाहते हो, रीजन क्या है? वो ये है कि सर हमको 12th हमेशा के लिए चाहिए। अगर किसी का भी नहीं हुआ 12th, तो कोई बात नहीं, आपका भी नहीं हुआ, आपको अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है, आप अप्लाई करो ना, जो भी पैरामीटर निकलेगा उसके बाद अप्लाई करोगे। अगर वो उनका इंटरनल एग्जाम है तो आप वो देखे जाओ, या फिर सीबीएसई जो डिसाइड करेगा हम वो करना होगा, ये मतलब अब उसमें कर भी क्या सकते। तो अभी तक ये अपडेट्स थे मेरी तरफ से। आप दोनों चैनल जो मैंने आपको बताए, अकाउंट्स बाय गगन शर्मा, वो एक ग्रुप है जिसपे हम टू वे इंटरेक्शन करते हैं, एंड एसपीसी जूनियर जूनियर्स जो हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल, जिसपे हम आपको सारी अपडेट्स अपनी देते हैं 11th और 12th के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, जहां पे हम जो भी अपडेट होगा उसको डिस्कस करेंगे, कैसे अप्रोच करना आगे वो हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।